इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक्स ऐड किए हैं, अगर आपको उनमें से कोई डाउट होगा तो ये वीडियो देखना, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। पहला है रिलीज द मैसेंजर पिजन 2 times या फिर 5 times या 10 times। बेसिकली मैसेंजर और पिजन, ये कंप्लीट डिटेल किस तरह से आपको पिजन लगाना है घर में, किस तरह से वहां से मैसेज भेजना है, उसमें सब कुछ पता चलने वाला है। दूसरा है इंटरेक्ट विथ योर डिगी पाल ऑन 3 days दिस वीक, ये भी, तो कैसे आप उसको घर पे लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में, कंप्लीट डिटेल, और इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करें वो भी बात करने वाली हूँ। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, अटेंड अ पार्टी, होम पार्टी, और किसी और के घर से, किसी और के पेड़ से कॉइन्स कैसे कलेक्ट करें, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप पार्ट देख लेना, मैं टॉप पर ही वो लगा दूंगी, ठीक है। होम पार्टी कैसे क्रिएट करना है, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर अगर आप आओगे ना, तो ये देखिए, ये बटलर आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये पूरा एक कैरेक्टर हो जाएगा होम का, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये आपका मैसेंजर है, मैसेंजर मतलब यहाँ पर आपको 2 पिजन नजर आ रही है, एक पिजन आपकी खुद की है और दूसरी किसी और के घर से आपके घर पर आई है। आपको हर दिन जा करके इसको रिलीज करना है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये रही आपकी होम पार्टी, किस तरह से अटेंड करनी है पार्टी, किस तरह से पार्टी आपको थ्रो करनी है, लाइक आपकी अपनी पार्टी फ्री में कैसे रखें, तो ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना दी है। और साथ ही साथ आप घर में फोटो फ्रेम कैसे लगाएं वो आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो अब अगर आपका दिल किया तो आप आगे देखिएगा, बहुत फास्ट तरीके से बताने वाली हूँ, और भी बहुत सारे पार्ट्स मैंने बनाए हैं होम से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बाकी के पार्ट भी देख लीजिएगा इसके बाद में। सबसे पहले ना, अगर आपको फोटो फ्रेम लगाना है अपने घर में, तो पहले आपको लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल करने का मतलब ये है कि आपके घर का लेवल अभी फिलहाल कितना है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अभी ये लेवल 5 अगर आपका घर होता है ना, तो आपको मिलेगा फोटो फ्रेम। नीचे आप देखो, अगर यहाँ पर प्रॉस्पैरिटी आप 250 कंप्लीट करते हो प्रॉस्पैरिटी, तो आपको लेवल 5 अपग्रेड करने का ऑप्शन हो जाएगा, और साथ में जो इसके रिवॉर्ड हैं वो आपको कलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ से प्रॉस्पैरिटी 250 कंप्लीट कर दी है और लेवल 5 मेरा हो गया है अपग्रेड, तो मुझे यहाँ से ये वाला फोटो फ्रेम का ऑप्शन अवेलेबल, मतलब अनलॉक हो जाएगा। अब जैसे मान लो मेरा फोटो फ्रेम का ऑप्शन अनलॉक हो गया, मैं आ चुकी हूँ अपने घर में, अब ये हमारा एडिट मोड है। एडिट मोड आपको अच्छे तरीके से पता है, जहाँ पर आप एडिट करते हो, एडिट मोड में आके ये आपका समझ जाओ बैकपैक है। इसके अंदर आपको ढूंढना है वही फ्रेम जो आपको मिला है लेवल 5 पर, तो बेसिकली फ्रेम आपको फर्नीचर वाले ऑप्शन में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए न्यू लग रही है ना, तो आपको बाकी पार्ट्स देखने पड़ेंगे कि प्रॉस्पैरिटी कैसे बढ़ाएं, लेवल कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, फर्नीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फोटो फ्रेम का ऑप्शन मिल गया है। अब सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको इसको प्लेस कर देना, या फिर आपको जहाँ कहीं भी दिल करे वहाँ आपको इसको प्लेस कर देना। इसकी प्रॉस्पैरिटी 9 है, मतलब जैसे मैं इस दीवार पर लगाऊंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, या फिर अगर ऊपर कहीं दीवार पर लगाना हो मुझे इस घर में, तो मैं यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, तो प्रॉस्पैरिटी 9 बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप सामान लगाओगे, वैसे वैसे आपके घर की प्रॉस्पैरिटी बढ़ती जाएगी। ये मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है आपको। अगर प्रॉस्पैरिटी के बारे में, लेवल अप के बारे में, फ्री में जल्दी से प्रॉस्पैरिटी और जल्दी लेवल अप कैसे करें नहीं पता है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन से वीडियोज़ चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। अब मान लो मैंने ये वाली लोकेशन पर यहाँ पर प्लेस कर दिया है ये फोटो फ्रेम को। अब आप सिंपली क्या करोगे ना, अगर आप एग्जिट करोगे तो ये आपका फोटो फ्रेम लगेगा नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ से सेव करना है, सेव करके क्रिएट और बिल्डिंग पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है, मतलब हम जो है अपना घर पब्लिश कर रहे हैं। अगर हम सेव करके हट जाते ना, तो आपको नहीं दिखता। अब चलते हैं घर में, और ये आपका विजिट मोड है, हम एडिट वाले मोड पे थे। एडिट वाले मोड, बिल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका एडिट मोड आ जाएगा। देखो नीचे बिल्ड का ऑप्शन है ना, अब आप कहोगे यहाँ पर तो हमने फोटो फ्रेम लगाया था, अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, री एंटर का ऑप्शन आएगा। अब जब आप वापस से री एंटर करोगे ना विजिट वाले मोड पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फोटो फ्रेम लग चुका है। अब जैसे इसके नज़दीक जाओगे ना, तो आपको फोटो वॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहां पर आपको फोटो फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ फोटो फ्रेम आपको ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे कुछ लेवल्स पर, या फिर कुछ आप शॉप से खरीदोगे, या फिर जब आप नॉर्मल गेम प्ले करोगे तभी भी आपको मिलेंगी चीजें। और यहां अपलोड वाले फोटो पर क्लिक करोगे ना, तो बेसिकली आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब वो जब गैलरी आपकी ओपन होगी ना, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो गैलरी ओपन हो गई है। अब यहाँ से आपको जो भी फोटोज़ चाहिए वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। लगाने के बाद इसको जूम इन जूम आउट करोगे ना, तो इस तरह से जूम इन जूम आउट होगा, और यहाँ से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर आपका फोटो फ्रेम वाला ऑप्शन यहाँ पर लग जाएगा। अब समटाइम्स ना कुछ ग्लिच शो कर रहा था शुरू में, जब पबजी मोबाइल में ये आया था, तो लेट्स सी BGMI में भी वो ग्लिच मिलता है या फिर नहीं, तो वो सेव नहीं हो रहा था। अगर कुछ आपको डाउट होगा ना, तो आप कमेंट करिएगा। अब बात कर लेते हैं पिजन के बारे में, कि घर में कबूतर कैसे लगाएं, पिजन कैसे लगाएं, मैसेंजर कैसे लगाएं। तो उसमें आपको बहुत सारे अचीवमेंट मिलेंगे ना, कि मैसेंजर रिलीज करना है,
है ना, पिजन रिलीज करना इस तरीके से, तो ये आपको लेवल 6 पर मिलेगा। मतलब अगर आप अपने घर की प्रॉस्पैरिटी कितनी बढ़ाओगे, यहाँ पर 300 है, 300 प्रॉस्पैरिटी अगर आप अपने घर पे 300 चीज़ें लगाते हो, प्रॉस्पैरिटी जितना ना 300 चीज़ें तक का लगाते हो, तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ कॉइन लगा के आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पिजन वाला स्टैंड मिल जाएगा। आपके पास ये स्टैंड होना चाहिए, तभी आपका ये काउंट होगा, अदरवाइज आपका ये काउंट नहीं होगा, लेवल 6 पर मिलेगा। अब जैसे आप इस घर में आओगे ना, तो यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना बिल्ड वाले ऑप्शन पर, तो आप डायरेक्ट एडिट मोड पर चले जाओगे, जहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ रहेगा, तो वो समझ जाना कि आपका एडिट मोड है। अभी देखिएगा, जैसे मैं एडिट मोड पर जाऊँगी ना, तो वो पूरा बारीक सा लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये एडिट मोड है। तो आपको काम सारा एडिट मोड पर करना है, उसके बाद आपको सेव करना है और फिर उसको क्रिएट और बिल्डिंग पर क्लिक करके पब्लिश कर देना है। तो सबसे पहले हम उसको फर्नीचर वाले ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं कि वो स्टैंड है कहाँ। तो बेसिकली वो सारे स्टैंड आपको फर्नीचर में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 9 प्रॉस्पैरिटी का वो है, तो यहाँ पर देखो मेरा लेवल घर का 15 है और ये पबजी मोबाइल का है, मैं उसमें आपको बता रही हूँ, बेसिकली सारे सेम ही हैं, तो BGMI में भी आपका ऐसे ही होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो पिजन का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा और इस तरीके से आपको सेट कर देना है। ये आपका सिर्फ स्टैंड है। अब जैसे आप स्टैंड लगाओगे ना, यहाँ पर मैंने इसको स्टैंड को लगा दिया है, देखिए इस तरह से। फाइन ट्यून करना चाहते हो, लेफ्ट राइट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। पहले आपको इसको सेव करना है, सेव करने के बाद क्रिएट और बिल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब क्रिएट और बिल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना आप, तो आपका घर ये पब्लिश हो जाएगा। अभी सेव कर रहे थे मतलब सिर्फ आपको दिख रहा है, आपने पब्लिश कर दिया मतलब वो सबको दिखेगा, वो विजिट वाले मोड पर आ जाएगा। विजिट मोड वो सबके लिए अवेलेबल है। आपके घर का कोई घर प्राइवेट नहीं है आपका, आपके घर में कोई भी आ सकता है। आपकी अगर एक्टर कैरेक्टर आईडी है ना, तो वो भी आपके घर में आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखो री एंटर का ऑप्शन आएगा, जब आप री एंटर करोगे ना, तभी जा करके यहाँ पर स्टैंड दिखेगा। अब जैसे मैंने स्टैंड लगाया है ना, तुरंत से मुझे किसी ने मैसेज भेजा है। अब किसने मैसेज भेजा, किसी ने भेजा होगा, तो हम क्लिक करके देखते हैं। तो मैसेंजर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे ना, तो जिसने मैसेज भेजा है, जिसके कबूतर के थ्रू लाइक पिजन के थ्रू जो मैसेज आया है ना, वो हम यहाँ रीड कर सकते हैं। आप भी मैसेज भेज सकते हो और कहीं से आ भी सकता है। तो किसी का मिशन होगा तो उसने यहाँ पर भेजा है, यहाँ पर आप देखो अलग ही लैंग्वेज पे है। अब हम भेजने वाले हैं, तो हम भेजेंगे तो यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम भेजने वाले हैं। अभी मैं आपको लाइव भेज के भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपका मैसेंजर, अब आपको बहुत सारे मिशंस मिले होंगे, मैसेंजर रिलीज अ मैसेंजर, रिलीज अ पिजन, है ना, ऐसे करके। तो आपको बस इसको रिलीज करना है। तो आपको यहाँ पर मैसेंजर वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ये आपका आया हुआ है और ये आपको भेजना है, सिंड्रेलाज वाइटीज हॉक, यहाँ पर कमिंग होमिंग पिजन है ना, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप करके भेज देना है और ये रेंडमली किसी के भी घर पर जाकर बैठ जाएगी और उसको जैसे हमने किसी का मैसेज पढ़ा वैसे हमारा कोई मैसेज पड़ेगा। तो डोंट विजिट माई होम प्लीज़ इट्स प्राइवेट, ऐसा करके मैं डाल देती हूँ ताकि मेरे होम पर ना विजिट करें लोग। हम प्राइवेट कोई चीज़ें रख देते हैं ना, तो बराबर से लोग आके देखते हैं। तो सिंपल तरीके से देखो, हमारी पिजन चली गई, हमने रिलीज कर दिया ना उसको, तो एक हमारा अचीवमेंट या एक हमारा मिशन कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब ये ना थोड़े देर बाद जब आप वापस से रिटर्न करके घर पे आओगे ना, तो ये फिर से आपको मिल जाएगी यहाँ पर, तो फिर आप उसको मैसेज भेजो। तो इस तरीके से जो आपको मिशंस है ना, रिलीज मैसेंजर, तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे मैसेज भेजे हैं, यहाँ पर कुछ रिप्लाई आए हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिख जाएंगे। सो इस तरीके से आप मैसेंजर भेज सकते हो या फिर आपके पास मैसेंजर आ भी सकता है। यहाँ से आपको हटाना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये वाला मैसेंजर वाला ऑप्शन आ गया, आप बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और एक चीज इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है डिगीपाल। जहाँ कहीं मिशन होगा डिगीपाल होगा, बट पबजी मोबाइल में इसको बटलर का नाम दिया गया है। ये है आपका बेसिकली कैरेक्टर जो आपके होम पर खड़ा होता है। अब ये फीमेल भी है और मेल भी है। इससे बात करना, इससे इंटरेक्ट करना, मतलब इसका लेवल अप करना। जैसे जैसे आप इससे बात करोगे, हाय हेलो बोलोगे ना, यहाँ पर मैसेजेस से इंटरेक्ट करोगे, तो ये बात करेगी आपसे। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको गिफ्ट सेंड करोगे ना, तो गिफ्ट में भी आपको ये जल्दी लेवल अप देगी। लेवल अप करेंगे इसका तो ये आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगी, इसका आउटफिट चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। अब मान लो आपको बटलर, ये आपको लेवल 3 पे मिल जाएगा, ठीक है, लेवल 3 पर यहाँ पर आकर के खड़ा भी हो जाएगा। लेवल 3 पर ये मिल जाएगा, आराम से लेवल 3 आपका हो जाता है। लेवल 4 के लिए मुश्किल होती है, लेवल 4 किस तरह से करना है डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके, मेरे पास दो बटलर है, एक फीमेल है एक मेल है, तो मानो मैंने इसको यूज़ कर लिया अभी फिलहाल के लिए। अभी ये लेवल 8 पर है, लेवल 12 पर जाएगा तो मुझे ये वाला आउटफिट मिलेगा। लेवल 8 पे ये वाला वाइट वाला मिलेगा, लेवल 12 पे हमें जो है गोल्डन वाला मिलेगा। यहाँ पर वॉइस चैट इसकी अनलॉक है कुछ, और कुछ लॉक होगी, तो आप में से कुछ लोगों की लॉक होगी क्योंकि आपका जल्दी लेवल अप करना है इसको, तो फटाफट इससे इंटरेक्ट करना है, इससे बातें करनी है नॉर्मली, और साथ में इसको गिफ्ट सेंड करना है। तो यहाँ से आप देखो ये काफ़ी सारे लेवल अप करेगा, तो ये आपको इमोट देगा। कोई घर में आएगा ना आपके, तो आपको अलग तरीके से यू नो वेलकम करेगा ये।
अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेवल्स मिल जाएंगे इसके, तो मेरा अभी लेवल 6 चल रहा है, लेवल 8 है, 9 है, सब लेवल पे आपको अलग अलग डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल रहा है, फीमेल का भी है मेल का भी है। तो अभी शायद से आपको BGMI में दो बटलर के दो ही दिख रहे होंगे, चार नहीं दिख रहे होंगे, लेट्स सी। बट ये पूरा प्रोसेस ना सेम होने वाला है, बस ये है कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आपको नहीं दिखने वाली है, वो अलग बात है। अब टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको बाय करो, देखो 20 ये बढ़ाना इसका फटाफट से, तो इस तरीके से आप इससे टॉक करोगे, कॉमेंट करोगे ना, तो ये इसका बढ़ते जाएगा, लेवल अप होते जाएगा, फिर इसका लेवल अप होगा तो आपको ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो इसमें मैंने सारी डिटेल बता दी है, लेकिन 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 मैंने ना डिस्क्रिप्शन में ना होम पार्टी वाला बताया है और होम के अचीवमेंट बताए हैं बेसिकली, तो अगर आपको होम की अचीवमेंट जानने होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पर किए, किस तरह से लेवल अप जल्दी करना है, होम के कॉइन्स फ्री में कैसे मिले, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ और सवाल हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। टेक केयर।